हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में दिसंबर माह में होने वाली परीक्षाओं के लिए कमर कस ली है और इसी के चलते एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन करके प्रदेश के 44 कॉलेजों के प्रिंसिपलों को परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए जानकारी दी गई। सेमिनार में कुल सचिव डॉक्टर मदन कुमार, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बीपी पटियाल, सहायक कुल सचिव संजीव मनकोटिया भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रदेश भर के तकनीकी कॉलेजों में नवंबर 28 से दिसंबर माह तक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए कॉलेजों के प्रबंधकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इसी सत्र में शुरू हुई ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म, कॉलेज स्तर पर परीक्षा शुल्क संग्रह, नकल रोकने के लिए कैमरे और जैमर का प्रयोग करना इत्यादि की जानकारी सेमिनार में मुहैया करवाई गई। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बीपी पटियाल ने बताया कि विश्वविद्यालय साल में 2 बार परीक्षाएं लेता है और इसी के चलते आज सेमिनार में प्रदेश भर के प्रिंसिपलों को परीक्षाओं के संचालन के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर कॉलेजों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करता है, इवन और ऑड सेमेस्टर के। तो अभी नवंबर 28 से हमारे ऑड सेमेस्टर के पहला, तीसरा, पांचवा और सातवें सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। डेट शीट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो उसके कंसर्न में एग्जाम कैसा होना चाहिए, कैसे कंडक्ट करना है, हम लोग प्रिंसिपल डायरेक्टर्स को कॉलेज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कॉलेज का जो मटेरियल है, सीक्रेसी मटेरियल, जिसमें कुछ स्टैम्प्स हैं और अदर मटेरियल है, वो आज ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और कॉलेज की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो प्रिंसिपल से हमारे साथ डिस्कस कर लेते हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर राजेश्वर गोयल जी, उन्होंने आना था लेकिन किसी मीटिंग की वजह से वो नहीं आ पाए, तो उनके निर्देशों के अनुसार ही हम लोग यहाँ मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स को यही सब कुछ बताया जाएगा, पेपर ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है, प्रिंट कैसे करना है, एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है, ताकि आने वाले जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन में, उनमें जो कॉलेजेस लेवल पे कोई ऐसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, नंबर वन। नंबर टू, हमने सारे सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं वो लगा दिए गए हैं सभी कॉलेजेस में। हमने 32 सेंटर बनाए हैं, सब सेंटर को मिला के 54 हैं और वो सारे हमारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में हैं। फ्लाइंग स्क्वाड गठित की जा रही है और स्टूडेंट्स को मेरा यही एडवाइस रहेगी कि नकल बिल्कुल ना मारे, नहीं तो उसमें जो नकल करता पकड़ा गया उसके भविष्य पे फिर तलवार लटक जाती है। उड़न दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड्स अगर उनको पकड़ लेती है, स्टूडेंट पकड़ लेती है, तो यूएमसी कमेटी है, एग्जामिनेशन डिसिप्लिन कमेटी, वो अपनी कार्यवाही करेगी और फिर वो स्टूडेंट्स को उसके मुताबिक ही हम लोग सजा देंगे।